So let us start with chapter number one, that is rotational dynamics. इस चैप्टर के टोटल दो पार्ट्स है, पार्ट ए विच डील्स विद प्योरली सर्कुलर मोशन एंड पार्ट बी विच डील्स विद रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन के सारे बेसिक्स यू विल नीड फॉर रोटेशनल मोशन। तो पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो रिमेंबर रोटेशनल डायनामिक्स हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए विच प्योरली डील्स विद सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। वी विल इनफैक्ट स्टार्ट विद बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज मोशन, देन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे लीनियर मोशन आपने ऑलरेडी 11 में देखा था। एंड नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन बेसिकली। फिर हम काइनेमेटिकल पैरामीटर्स कंपेयर करेंगे। काइनेमेटिकल पैरामीटर्स मतलब, अगर आपको याद होगा, फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वी यूज सम पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मोशन का स्टडी करना है तो यू यूज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। गैसेस का स्टडी करना है तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। केमिस्ट्री में एंट्रोपी भी एक एक्स्ट्रा आता है। अगर आपको मटेरियल का स्टडी करना है, सॉलिड्स का, तो सॉलिड का स्टडी करने के लिए यू स्टडी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, जैसे यू फाइंड आउट व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो वैसे ही एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है तो यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर चाहिए, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है मोशन के पैरामीटर कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम वही लीनियर पैरामीटर्स को एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज का जो लेक्चर है, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द बेसिक आइडिया ऑफ मोशन, जो आपने ऑलरेडी 11 में देखा, जस्ट अ क्विक रिकैप। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद डिफरेंट काइनेमेटिकल पैरामीटर्स दैट वी विल यूज टू स्टडी एंगुलर मोशन, क्योंकि लीनियर हमने ऑलरेडी 11 में कवर किया है। देन वी विल कंपेयर इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। लीनियर मोशन में हम 5 इक्वेशन यूज करते हैं काइनेमेटिक्स के, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, v square equal to u square plus 2as and s equal to ut plus 1/2 at square. उसको convert करेंगे in angular motion. Then after that we will mention, derive नहीं करना है, we will just mention what is the relation between linear parameter and angular parameter. For example, linear displacement और angular displacement relation क्या है? For example, linear velocity v और angular velocity omega में relation क्या है? वो हमने डिराइव किया था, v इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेशन क्या है, ये मेंशन करेंगे। उसके बाद वी विल गो अहेड विथ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला टाइप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दूसरा टाइप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इतना आज का प्लान है, टाइम बचा तो वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, बट टू स्टार्ट ऑफ विथ वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ सर्कुलर मोशन। उसमें भी वी विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मोशन। तो व्हाट इज मोशन, हाउ डू यू डिफाइन मोशन? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। सो एक्चुअली मोशन कैन बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज। नंबर वन, इफ देर इज चेंज इन पोजीशन विद टाइम, और इफ देर इज चेंज इन पोजीशन विद सराउंडिंग्स। तो हम फिलहाल विद टाइम की ही बात करेंगे, क्योंकि हमको डेरिवेटिव्स विद टाइम लेने हैं। So we know that motion is the change in position of an object with time. बहुत सारे real life examples है। Let us take your example. कम से कम नेक्स्ट 90 मिनट्स में योर पोजिशन विल नॉट चेंज, तो यू आर नॉट इन मोशन, यू आर स्टेशनरी। बट इफ यू टेक माई एग्जाम्पल, मेरा पोजिशन चेंज होता रहेगा, मे बी फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आई विल बिकम स्टेशनरी। बात करते करते, कुछ बताते बताते शायद मैं रुक जाऊँ, लेकिन ओवरऑल विथ टाइम द पोजिशन विल कीप ऑन चेंजिंग। तो आई एम एन ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग पोजिशन विथ टाइम, सो आई एम इन मोशन। एंड यू आर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे रहोगे कम से कम अगले 80-90 मिनट्स के लिए, तो यू आर एट रेस्ट।
तो मोशन इज चेंज इन पोजिशन विथ टाइम। देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक्चुअली ज्यादा है पर हमारा फोकस दो ही टाइप पे रहेगा। नंबर वन लीनियर मोशन। तो अगर आपको याद होगा हमने 11th स्टैंडर्ड में लीनियर मोशन को डिफाइन किया था। तो कैन यू, व्हेन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। तो एक्सट्रीमली सिंपल। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स विद टाइम देन इट इज सेट टू बी इन लीनियर मोशन, देन इट इज सेट टू बी इन लीनियर मोशन। दूसरा टाइप का मोशन है सर्कुलर, लेकिन हम इसको इन जनरल बोलते हैं एंगुलर मोशन, क्योंकि एंगुलर मोशन अगर आपने बोला तो फिर इसमें अगर सर्कल कंप्लीट नहीं भी हुआ, हो सकता है ना पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ एक पार्ट है सर्कल का। फॉर एग्जाम्पल जब गाड़ी टर्न लेता है रोड पे तो जो टर्न आता है दैट इज आर्क ऑफ सर्कल, वो पूरा सर्कल बना गया नहीं, लेकिन उस मोशन को भी आप बोल सकते हो एंगुलर। मतलब जो पैरामीटर आप सर्कुलर मोशन के लिए यूज करने वाले हो वो सारे के सारे उस मोशन के लिए भी यूज होंगे। सो द आइडिया हियर इज एंगुलर क्यों बोला, क्योंकि मे बी सर्कल कंप्लीट हुआ ही नहीं, हो सकता है ऐसा। अगर आप रेसिंग देखते हो, लेट अस टेक बेटर एग्जाम्पल मौत का कुआ, आएगा इसी चैप्टर में आएगा मौत का कुआ, पता है वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ। तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस इज, अगर आपको याद होगा देखा होगा कभी, तो व्हीकल क्या करता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, राइट। और अगर आप गाड़ी को टर्न ले रहे हो रोड पे तो यू परफॉर्म मोशन अलोंग अ कर्व, लेकिन सर्कल कंप्लीट हुआ गया, तो वो मोशन सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर है क्या? नहीं, ये पार्ट ऑफ सर्कल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मोशन इज अलोंग अ कर्व्ड पाथ, तो इन जनरल उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोशन। इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आपको सर्कुलर मोशन बोलना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि सर्कल कंप्लीट हुआ। अगर आपको इन जनरल बोलना है तो यू विल से, जैसे यहाँ पे आपने लिखा, क्या बोला आपने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। एंगुलर में क्या बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग कर्व्ड पाथ। सर्कुलर बोला मतलब यू आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सर्कल। मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया, मे और मे नॉट बी सर्कल कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जनरल केस क्या है, जनरल केस इज दैट द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट शुड मूव अलोंग कर्व पाथ इन जनरल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, अलोंग अ कर्व पाथ देन द मोशन इज सेट टू बी एंगुलर मोशन, मोशन इज सेट टू बी एंगुलर मोशन। अब आप बोल सकते हो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंगुलर मोशन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं वापिस, जब भी ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज करता है विद टाइम देन इट इज सेट टू बी इन मोशन। दो टाइप के मोशन है, एक है लीनियर, लीनियर मोशन में पोजिशन चेंज होता है बट अलोंग स्ट्रेट लाइन। दूसरा है एंगुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट मूव होता है अलोंग कर्व पाथ, और अगर इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया तो उसी एंगुलर मोशन को क्या बोलोगे सर्कुलर मोशन। एक साथ बहुत सारे पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे रोटेशनल मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंगुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंगुलर मोशन। गुड, तो घूम फिर के हम उसी पॉइंट पे आ गए कि अभी हमको एंगुलर मोशन का स्टडी करना है। मतलब इस चैप्टर में हमारा फोकस है एंगुलर मोशन पे, पार्ट ए में सर्कुलर मोशन एंड पार्ट बी में रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर मोशन को स्टडी करने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेशन का हेल्प लेते हो। यू स्टडी मोशन विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड विद द हेल्प ऑफ, तो सिमिलरली टू स्टडी एंगुलर मोशन वी यूज सच पैरामीटर्स। इसको बोलते हैं काइनामेटिक्स, काइनामेटिकल पैरामीटर्स। तो एक काम करेंगे, कंपेयर भी कर लेंगे लीनियर मोशन के साथ और इंट्रोड्यूस भी करेंगे। तो लेट अस इंट्रोड्यूस काइनामेटिक्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन। आई वुड बेटर से काइनामेटिक्स बोलने की जगह पे काइनामेटिकल पैरामीटर्स बोलो तो अच्छा है। तो अगला टॉपिक है एक्सट्रीमली सिंपल, काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन को स्टडी करना है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर आपको एंगुलर मोशन स्टडी करना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आप नोट देखोगे तो नोट्स में एक टेबल है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी दिया है और साथ में लिखा है लीनियर मोशन का पैरामीटर और एंगुलर मोशन का पैरामीटर। ये चलता रहेगा आना जाना, यू हैव टू फोकस हियर। आएंगे जाएंगे दैट इज ओके, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो 12th है, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। थोड़ा सा भी मिस हुआ तो गए, क्लीन बोल्ड, डन फॉर एन ईयर, मे बी फॉर लाइफ। तो अब ऐसा है, हमारा इस चैप्टर पे फोकस कौन से मोशन पे है? एंगुलर। लीनियर मोशन आप सबको पता है, ये अजम्पशन है। चलो नहीं पता ये मान लेता हूं, तो लेट अस री इंट्रोड्यूस डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ लीनियर मोशन एंड देन कंपेयर इट विथ एंगुलर मोशन। और साथ में मैं डायमेंशंस भी पूछूंगा, क्योंकि डायमेंशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायमेंशन जिसको पता है उसके लिए आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। तो वी विल ऑल्सो राइट डाउन डायमेंशन एंड एसआई यूनिट्स। तो आई होप ऑल ऑफ यू, आपको 11th का पहला ही चैप्टर याद होगा। कौन सा चैप्टर था? ओह वेरी गुड, तो आपको अच्छे से पता होगा डायमेंशन मतलब क्या। श्योर, तो यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं। ओके गुड, तो फिजिकल क्वांटिटी, उसका लीनियर मोशन में क्या नाम है वो, साथ में सिंबल क्या है वो, साथ में एसआई यूनिट्स क्या है वो, और डायमेंशंस क्या है वो सब मेंशन करेंगे। एंड हियर वी विल राइट डाउन एंगुलर मोशन। तो टू स्टडी लीनियर मोशन, सबसे पहला पैरामीटर दैट वी यूज इज डिस्प्लेसमेंट। तो बिफोर वी गो अहेड, वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन टू बी अप्रोप्रिएट, डेफिनेशन क्या था डिस्प्लेसमेंट का? फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, राइट? अभी भी याद रखना, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट अस टेक योर एग्जाम्पल इटसेल्फ। आप एक क्लास से यहाँ पे आए, यहाँ से वापस उसी क्लास पे जाओगे फॉर एग्जाम्पल, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भूलना मत। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिफाइन करने के लिए इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन। चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर बेटर इफ यू इमेजिन सम मोशन। तो मान लो ये ओरिजिन है,
और रिमेम्बर, ओरिजिन तुम कहाँ पे भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। आप जहां से मेजर कर रहे हो उसको ओरिजिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, ये एक पी पॉइंट है, इसका लोकेशन बताओ, फ्रॉम वेयर, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से मेजर कर रहे हो। अगर मैं मेजर करता हूँ सपोज यहाँ से, इमेजिन, और ये डिस्टेंस अगर आ गया सपोज 10, तो मैं बोलूंगा इट इज 10, 10 आई कैप, जे कैप, जो होगा वो। बट रिमेम्बर, ओरिजिन मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जहां से आप मेजर कर रहे हो, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। आपको ओरिजिन जहां सेट करना है वहां कर लो, डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मोबाइल का स्टैंड है, लेट अस से इट इज एट 3 फीट फ्रॉम मी, फ्रॉम देम इट इज लेट अस से 0 फीट, जो आखिरी में बैठे हैं उसके लिए 40 फीट दूर होगा ये। तो पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सम पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये थोड़े थोड़े हैवी वर्ड सुनने की आदत डाल लो, हम सिंपल करके तो बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल नहीं पूछते ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या? एक्स वाई जेड मतलब क्या? सम ओरिजिन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? सम ओरिजिन। तो मेजर कहाँ से कर रहे हो, दैट इज द आइडिया। तो एक एक पॉइंट है जिसको मैंने ओरिजिन मान लिया, एंड देन लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट, लेट अस से ये ऑब्जेक्ट मेरे पास था पहले यहाँ पे एट सम पोजिशन x1 बार, ये x1 बार पोजिशन वेक्टर है उसका, यू कैन से दिस पोजिशन वेक्टर। वेल बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशन वेक्टर? व्हाट इज पोजिशन वेक्टर? अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो x1 बार इज इनिशियल पोजिशन वेक्टर। इमेजिन ये ऑब्जेक्ट घूम फिर के यहाँ पे आ गया, घूम फिर के आया, एंड द फाइनल पोजिशन इज x2 बार। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? x2 बार माइनस, अब इसको मैं नंबर में लिखता हूँ, लेट अस से ये था 2, ये है 5, और ऑफ कोर्स ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये 5 आई कैप बन जाएगा, ये 2, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 3 आई कैप, 3 आई कैप। रिमेम्बर मैंने आपको बोला ये घूम फिर के आया, तो लेट अस से पहले 2 पे था, फिर 8 पे गया, फिर 5 पे आया, व्हाट इज डिस्टेंस? 2 से 8, 6, वापिस आया 5 पे, 3, 6 प्लस 3, 9, तो डिस्टेंस इज, डिस्प्लेसमेंट इज 3 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट में साथ में डायरेक्शन चाहिए, यू कैन नॉट स्किप डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 3 आई कैप। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। तो बहुत बेसिक बेसिक पैरामीटर से स्टार्ट करेंगे, ये पता होगा तो आगे अपने आप समझेगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। तो इफ यू नोटिस, डिस्प्लेसमेंट को मैंने डिनोट किया एक्स बार से। क्यों एक्स बार से? क्योंकि मोशन कौन से डायरेक्शन में था? एक्स। अगर वाई में होता तो वाई बार, जेड में होता तो इन जनरल एस बार। तो जनरल नोटेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज एस। अगर मोशन अलोंग एक्स है तो एक्स, अलोंग वाई है तो वाई, अलोंग जेड है तो जेड। तो डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन हम डिनोट करते हैं एक्स बार और वाई बार और जेड बार और एस बार और आर बार इन जनरल। मैं फिलहाल एक्स लिखूंगा क्योंकि मैंने मोशन इमेजिन किया है अलोंग एक्स एक्सिस। इसको आप मेजर करते हो मीटर में, इसके डायमेंशन होते हैं L^2 1, लेंथ L^2 1। तो यह पहला फिजिकल पैरामीटर है दैट यू यूज टू स्टडी लीनियर मोशन। अब तक हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, इसके आगे इसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि तुम 11th में एंगुलर मोशन डिफाइन ही नहीं करते हो, मेंशन नहीं करते हो, तो वहां पे एक ही मोशन था, दैट इज लीनियर। तो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट के आगे लीनियर वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि अब आप एंगुलर मोशन स्टडी करोगे। तो दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट आएंगे, एक होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होगा एंगुलर। वेलोसिटी भी दो टाइप का आएगा, लीनियर एंड एंगुलर। एक्सेलरेशन भी दो टाइप का आएगा, लीनियर एंड एंगुलर। तो हर बार मेंशन करना पड़ेगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर और एंगुलर।
तो जैसे यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगुलर मोशन में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, थीटा बार। बार क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और थीटा क्यों? क्योंकि थीटा इज एंगल, तो एंगल है। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल? रेडियन। तो डिग्री में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन रेडियन। और डायमेंशंस एल रेस टू जीरो, ऑफ कोर्स एम जीरो टी जीरो भी है, लेकिन मैं एल जीरो ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एल वन था। तो जब कंपेयर करूंगा तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, एक्स को थीटा के साथ, मतलब एल को एल के साथ, तो इसका पावर वन, उसका पावर जीरो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट हैज नो डायमेंशन। यहाँ तक क्लियर? एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जहां जहां पे वेक्टर्स आएंगे वहां वहां डायरेक्शन पता होना ही चाहिए आपको। डिस्प्लेसमेंट का तो बहुत सिंपल सा केस था, जिस डायरेक्शन में मोशन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज अलॉन्ग एक्स, सिंपल, वेरी सिंपल। जिस डायरेक्शन में मोशन है वही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर में ऐसा नहीं होता है। एंगुलर में होता क्या है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल अगेन। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है ये? सर्कुलर। यू नो एवरी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि सर्कल इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हैज एन एक्सिस। पता है एक्सिस क्या होता है? सर्कल का एक्सिस पता है क्या होता है? एक्सिस, एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, गुड बट नॉट सफिशियंट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सर्कल, ये उसका आ गया एक्सिस। तो अ लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन टू प्लेन ऑफ सर्कल इज नोन एज, तो ये आ गया उसका एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। यहां तक क्लियर? हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क इज टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक काम करते हैं, लेट अस इमेजिन इनिशियली पार्टिकल था ए पॉइंट पे, आफ्टर सम टाइम इट इज एट पॉइंट बी। वेल बाय द वे, आइडियली नॉर्मली हम मोशन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी ले सकता था ना, आई वुड हैव सेड ए से बी पे आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन मैंने डायरेक्शन क्या लिया? एंगुलर कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? एंगल इज पॉजिटिव। 10th स्टैंडर्ड तक आप पॉजिटिव नेगेटिव एंगल की बात नहीं करते हो, बट एज सून एज यू एंटर 11th, पहला ही चैप्टर है, अभी सिलेबस चेंज हुआ, तो आई डोंट नो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें स्टार्ट ही होता है डायरेक्टेड एंगल से। तो एंगल्स मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे आर टेकन टू बी। एंगुलर तो इमेजिन अगर मैंने बोला होता कि पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हर बार एंगल क्या लिखते? माइनस माइनस माइनस। तो टू अवॉइड नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो हुआ क्या, पहले पार्टिकल था ए पे, आफ्टर सम टाइम ये कहाँ पे आ गया? बी पे। तो इट हैज कवर्ड सम एंगल, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? लीनियर मोशन का केस अलग है, लीनियर मोशन में जिस डायरेक्शन में मोशन उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर में आपको राइट हैंड रूल यूज करना पड़ता है, यू हैव टू इमेजिन एक्सिस ऑफ दिस मोशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विथ थम आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच मतलब थम को बाहर निकाला है, एंड फिंगर्स कर्ल्ड। आपके राइट हैंड में एक्सिस होना चाहिए सच दैट थम इज अलोंग एक्सिस एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड। अगर कर्ल्ड फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताते हैं, इफ द कर्ल्ड फिंगर्स आर पॉइंटिंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन थम गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मोशन है सर्कल में लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग एक्सिस। तो इन शॉर्ट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? परपेंडिकुलर अलोंग
एक्सिस अलोंग एक्सिस नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लीनियर मोशन में सही था, लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था? अलोंग अलोंग द मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग द एक्सिस। कैसे फाइंड किया? विच रूल? राइट हैंड रूल। इन दैट केस एक्सिस मतलब वॉज हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज आउटस्ट्रेच एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड। कर्ल फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन समझेगा। तो थीटा का डायरेक्शन क्या है? अलॉन्ग एक्सिस है, ये याद रखना। यहां गड़बड़ की तो अगले में गड़बड़ पक्का है। देन नंबर टू पैरामीटर इज वेलोसिटी। यहां पे आप डिनोट करते हो वी बार से और इसको डिफाइन करते हो डीएक्स बार बाय डीटी। अब जिनको डेरिवेटिव्स नहीं पता, इज देयर एनीवन जिसको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं पता? तो आई विल जस्ट रीइंट्रोड्यूस। देखो होता क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर इसने पोजीशन चेंज करना स्टार्ट किया, इट इज सेड टू बी इन मोशन। एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज वेलोसिटी। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर वो हर एक सेकेंड में 5 मीटर कवर करता है हर एक सेकेंड में, तो वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। गलत डायरेक्शन नहीं बताया। आई कैप क्यू डायरेक्शन क्या था? एक्स। एक्स डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हो? तो व्हाट इज वेलोसिटी? 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। तो मैंने वेलोसिटी पूछा तो मुझे आई कैप जे कैप के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप सुनना है कंपल्सरीली। स्पीड पूछा तो ठीक था। व्हाट इज स्पीड? 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी? 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि एक सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। एक्सट्रीमली सिंपल। और इसको कनेक्ट करो रियल लाइफ के साथ। आप बोलते हो मेरे गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था, क्या मतलब है उसका? हर एक आवर में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, दैट इज द आइडिया। यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, दैट इज स्पीड। यूनिट टाइम में आप कितना डिस्प्लेसमेंट करोगे, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिंपल मतलब है हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो मैथ्स में कैसे लिखते हो उसको? डीएक्स बाय डीटी। डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि हाउ वन फिजिकल पैरामीटर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। कौन चेंज हो रहा है? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको टेम्परेचर का एग्जांपल ऑलरेडी दिया था। मैंने बताया था बाहर खड़े हो गर्मी में, समर्स में मतलब टेम्परेचर इज हाई, देन यू एंटर क्लासरूम यू फील लिटिल कोल्ड, मे बी अदर वे अराउंड इट डिपेंड्स। लेकिन क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ? पोजीशन। तो लिखोगे कैसे? डी टी बाय डी एक्स। डी टी बाय टी इज टेम्परेचर एंड एक्स इज पोजीशन। आपको याद है जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन लेते हो तो उसको स्पेसिफिक नाम होता है ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है? चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू, और इन शॉर्ट आप लिख सकते हो डी वाई बाय डी एक्स। ये वाई हो सकता है टेम्परेचर, ये हो सकता है वेलोसिटी, ये हो सकता है डिस्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एक्स हो सकता है टाइम और पोजीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनीवेज हम बाद में वापस आएंगे, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज वेलोसिटी, एंड मेजर्ड इन मीटर पर डायमेंशंस L1 T-1। तो डायमेंशंस आर L1 and T-1। गुड। इसका एनालॉग लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी होता है उसका एनालॉग एंगुलर मोशन में होता है एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा लीनियर वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा बाय डी टी। सिंपल, डिस्प्लेसमेंट मीटर था, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आया, ये रेडियन था तो ये रेडियन पर सेकेंड आएगा। एंड ऑब्वियसली
डायमेंशंस बताओ। एल जीरो पी माइनस वन, वेरी गुड, राइट, क्लियर यहां तक? पक्का पक्का? रिपीट तो मैं करूंगा लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करो। अब बताओ डायरेक्शन क्या है ओमेगा का। चलो लेट मी टेक यू बैक टू चैप्टर नंबर टू ऑफ इलेवेंथ स्टैंडर्ड। तो ट्वेल्थ में ये होता रहेगा, हम पीछे जाएंगे। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बार इक्वल टू बी बार, दे आर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फिजिक्स में हो तो ए बार इक्वल टू बी बार मतलब बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे दोनों डिस्प्लेसमेंट या दोनों एक्सेलरेशन या दोनों वेलोसिटी या दोनों फोर्स। और साथ में मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों का डायरेक्शन भी है सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी है सेम, वेरी गुड। इफ आई राइट डाउन समथिंग लाइक दिस, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट डायरेक्शन इज सेम। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो, इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ थीटा आई गेट ओमेगा, बराबर। तो जो डायरेक्शन थीटा का वही डायरेक्शन, अगर मैंने माइनस लिखा होता तो अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल। तो अगर आपने यहां पे लिखा है ओमेगा इज डी थीटा बाय डीटी, तो जो डायरेक्शन थीटा का है वही डायरेक्शन, सिंपल है। सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ अलोंग एक्सिस, तो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विद द सेम रूल, राइट हैंड रूल। तो ओमेगा एंड थीटा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज अलोंग एक्सिस। तो रूल नंबर वन, बेसिक रूल, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी है, दोनों केसेस में, लीनियर मोशन में भी और एंगुलर में भी, सर्कुलर मतलब एंगुलर, इन बोथ द केसेस। यहां तक क्लियर? पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, फिर ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हुआ, एक सेकेंड में कितना पोजिशन चेंज हुआ, दैट इज वेलोसिटी। अब एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन, होता है ना ऐसा? या आपका तो बेस्ट एग्जांपल है, यहां से निकलते हो गाड़ी लेके एक्सेलेटर घुमा देते हो, व्हाट यू आर डूइंग इज चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम, राइट। तो तीसरा पैरामीटर दैट वी विल यूज इज एक्सेलरेशन। लीनियर के केस में उसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे, एंगुलर के केस में उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन। डिनोट करते हो ए से, लिखते हो डीवी बार बाय टीटी, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन होते हैं एल वन टी माइनस टू, ओके, एल वन टी माइनस टू, फाइन, शॉर्ट ऑफ स्पेस। तो एल वन टी माइनस टू, जैसे यहां पे आप बोल रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद टाइम इज लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। ये आप मेजर करोगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, और डायमेंशन आएंगे एल जीरो टी माइनस टू। तो ये एल जीरो लिखने के पीछे रीजन सिर्फ इतना था, लीनियर में एल वन है तो वन ही है तीनों केस में, टी का पावर जीरो था फिर माइनस वन हुआ फिर माइनस टू हुआ, यहाँ पे एल जीरो है हर केस में, टी का पावर जीरो था फिर माइनस वन और फिर माइनस टू। यहां तक क्लियर? पक्का? अब बात करेंगे डायरेक्शन की। यहाँ थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज नॉट रियली डिफिकल्ट बट लिटिल डिफरेंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नहीं लीनियर का बताओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इन शॉर्ट। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का होना चाहिए, होता नहीं, दो केसेस बनते हैं, क्यों? यू नो व्हाट इज डीवी, चेंज वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब दो केस बनते हैं, एक केस में फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो इफ वी बार इज ग्रेटर देन यू बार देन ए बार इज पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे बड़े नंबर में तो छोटे को माइनस किया तो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है ना। व्हाट इज फाइव माइनस टू, प्लस थ्री। व्हाट इज फाइव माइनस फोर,
प्लस वन। तो अब अगर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, फॉर एग्जांपल क्लास के बाद तुम निकलोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, स्पीड बढ़ाओगे मतलब वेलोसिटी बढ़ाओगे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? जीरो। फाइनल जो भी हो लेकिन इट इज ग्रेटर देन जीरो, बराबर। तो व्हाट इज वी बार माइनस यू बार? पॉजिटिव। टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं, कभी सुना है -10 सेकेंड्स? होता तो यू कुड गो बैक इन टाइम, करेक्ट ऑल योर मिस्टेक्स। सम ऑफ यू मे हैव क्विट साइंस, मे बी आई एम, मैंने शायद टीचिंग छोड़ दिया था, ऐसा भी हो सकता है। बट एनी वेज, जोक्स अपार्ट, ये नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन लेकिन न्यूमरेटर कैन बी नेगेटिव। इस केस में क्या आया? अच्छा न्यूमरेटर पॉजिटिव, तो ए भी। अच्छा तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब कौन? डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। वेरी गुड। तो गाड़ी मूव हो रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? अलोंग एक्स एक्सिस। फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर था इनिशियल से, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? अलोंग अच्छा एक्स एक्सिस, मतलब कौन? आई कैप। तो तीनों कौन है? वेरी गुड। उल्टा सोचो, अब हम कहीं जा रहे थे गाड़ी पे और हमको दिखा कि वहां रुकना है, अब पहुंच गए, तो क्या करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो। ब्रेक अप्लाई करते हो मतलब वेलोसिटी क्या करते हो? तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल है या उल्टा है? उल्टा है। तो इन दैट केस, इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। माइनस साइन वेक्टर में मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन आती है एक्सेलरेशन में, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन यूज करते टाइम पे यू हैव टू बी केयरफुल। बाय द वे, नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो और नाम है, रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन, राइट? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इट इज ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा का केस डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस, या मतलब अलोंग थीटा, या फिर अपोजिट टू दैट ऑफ थीटा। तो ओवरऑल अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे, तो ये डायरेक्शन है थीटा का, ये डायरेक्शन है ओमेगा का। अल्फा या तो यहाँ है या तो नीचे है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एंगुलर मोशन स्पेसिफिकली, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ अल्फा या तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा होगा या फिर अपोजिट होगा। तो इन शॉर्ट, हमको अगर एंगुलर मोशन का स्टडी करना है तो तीन पैरामीटर यूज करेंगे। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था लीनियर में, वैसे यहाँ पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी डिफाइन किया था, यहाँ डिफाइन करते हो एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आप यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हो, वैसे यहाँ पे करते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको आप मेजर करते हो मीटर में, इसका रेडियन है, ये एल रेस टू वन है, ये एल रेस टू जीरो है। इसको आप लिखते हो डी एक्स बार बाय डी टी, ये आता है डी थीटा बार बाय डी टी, ये होता है मीटर पर सेकेंड, ये होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, आई विल नॉट राइट इट डाउन। दिस इज L1 t-1, L0 t-1, दिस इज डी वी बाय डी टी, एंड दिस इज डी ओमेगा बाय डी टी। ये आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है L1 t-2, ये आता है L0 t-2। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वही वेलोसिटी का है, जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है वही एंगुलर वेलोसिटी का है। ए का डायरेक्शन या तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, या फिर अपोजिट होगा इफ फाइनल इज लेस देन। सिमिलर फॉर एंगुलर केस ऑल्सो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज ईदर डायरेक्टेड अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट टू इट, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का?
तो अगर एक बार आपको काइनेमेटिकल पैरामीटर्स अच्छे से समझ में आ गए, मतलब काइनेमेटिक में जो ये तीन पैरामीटर यूज करते हो वो समझ में अगर आ गए, तो नाउ यू कैन एक्चुअली कंपेयर इक्वेशंस ऑफ, याद है क्या इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद है? नहीं याद है तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा वापस। डिराइव किया है आपने? डिराइव दो मेथड से किया है, एक तो ग्राफिकल मेथड था, और कौन से कंडीशन के अंडर डिराइव किया था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डिराइव किए थे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स अंडर अ कंडीशन दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है एट इक्वल रेट्स। जिनको याद नहीं है तो वापस से 11th स्टैंडर्ड में लेके जाना पड़ेगा मुझे। हमने हमने वेलोसिटी चार टाइप का डिफाइन किया था, याद है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, सब कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में ही समझना। मोशन मतलब रियल लाइफ, रियल लाइफ मतलब एग्जाम्पल। सपोज एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा है, स्टार्ट होने के कुछ सेकेंड के बाद क्या होता है? इट कीप्स ऑन ट्रेवलिंग विथ सेम स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हर एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल विल बी सेम और डायरेक्शन विल ऑल्सो बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, हर एक सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है अलॉन्ग ईस्ट, वो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। हर एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। सच वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बराबर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन, या फिर व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। या तो स्पीड चेंज होना चाहिए या फिर डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, उसको आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने एक्सेलरेशन के लिए भी देखा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो व्हेन दिस वेलोसिटी चेंजेस एट इक्वल रेट, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एट टी इक्वल टू 0 वी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 1 वी इक्वल टू 1, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड वी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड वी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 4 वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, टी 5 वी 5, टी 6 वी 6। क्या हो रहा है? हर एक सेकेंड में स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 1। तो एक्सेलरेशन तो है क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो क्या बोलते हैं? 0 एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ याद है आपको? अगर मैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं टी प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कैसा आएगा? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, दिस इज अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट। व्हाट इज दिस ग्राफ? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों? स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे फाइंड करते हो? एंगल से। एंगल बढ़ते जा रहा है कि? यस, एंगल बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ए इज पॉजिटिव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाउ अबाउट दिस रिटार्डेशन? तो तभी मैंने बताया था कि अभी आपको लग रहा है कि क्या ग्राफ देख रहे हैं, 12वीं में सब लगता है, एक एक चीज आपको लगने वाली है। तो रिमेम्बर दिस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंजेस एट इक्वल रेट्स। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी इज चेंजिंग चेंजिंग इक्वली। हमको अब करना क्या है? हमको कंपेयर करना है इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स।
इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। तो हमको ऑलरेडी लीनियर मोशन के इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स पता है अंडर कंडीशन दैट ए इज कांस्टेंट। वैसे ही हमको यहाँ पे देखना है एंगुलर मोशन, मतलब रोटेशनल मतलब सर्कुलर, तो एक ही बात है, आप एंगुलर लिखो या रोटेशनल लिखो या फिर सर्कुलर लिखो, बट क्या कांस्टेंट यहाँ पे ए, वहां पे अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट। व्हाट वाज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसका एंगुलर मोशन में एनालॉग ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब कुछ बुक में ओमेगा फाइनल लिखेंगे, कुछ बुक में फाइनल वेलोसिटी को सिर्फ ओमेगा लिखते हैं, इनिशियल को ओमेगा जीरो लिखते हैं, ओमेगा नॉट। तो बुक टू बुक नोटेशन चेंज होंगे, तो मैंने ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लिखा था, वो भी सही है, ये भी सही है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये नोटेशन है, इसलिए नोट्स में भी मैंने यही नोटेशन लिया है, बट आई वुड प्रिफर राइटिंग दिस, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अगर आपको लीनियर मोशन पता है तो आपको एंगुलर बाय डिफॉल्ट पता है, कोई फर्क है ही नहीं, सिर्फ नोटेशन चेंज होते हैं, और ऑफ कोर्स यूनिट्स एंड डायमेंशन विल ऑल्सो चेंज। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, स्पीड क्योंकि मैंने बाहर नहीं लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, टी बार नहीं, टी बार नहीं, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया सिंपल। तो अगर आपको लीनियर मोशन पता है, आपको एंगुलर ऑलरेडी पता है, तो ये वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या फाइंड करते हो, फाइनल वेलोसिटी, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स? 20। यू की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 2 थी, टाइम मैंने बोला 10, तो 0 प्लस 20, आपने बोला 20, लेकिन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, हाँ सेकेंड वेलोसिटी है ना ये, इसलिए तो बोला वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस, लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट इज द फाइनल एंगुलर स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स? 50। 0 प्लस 5 इंटू 10, 50 क्या, रेडियन रेडियन पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं, रेडियन पर सेकेंड। नंबर टू, एस इक्वल टू यू टी प्लस, पर तो यहाँ पे एस के यहाँ पे लिखोगे थीटा, यू की जगह पे ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सिंपल। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख लो, ये आ गया उसका वेक्टर फॉर्म, तो यू कैन ऑल्सो राइट इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, सिंपल। थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सिर्फ वेक्टर फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यू नो व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? ए बी कॉस थीटा, ए बार डॉट ए बार इज ए ए कॉस थीटा, ए ए इज ए स्क्वायर, ए बार डॉट ए बार, तो थीटा कितना है, 0। ईस्ट का ईस्ट के साथ डायरेक्शन कितना, एंगल कितना, 0। ईस्ट का ईस्ट के साथ 0 एंगल, वेस्ट का वेस्ट के साथ 0 एंगल, तो ए बार के साथ कितना एंगल, तो ए बार डॉट ए बार विल बी ए ए कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? तो ए ए इज, तो व्हाट इज वी वी, वी बार डॉट वी बार कितना आएगा, कितना आएगा, तो वी स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं हम, वी बार डॉट वी बार इक्वल टू यू बार डॉट यू बार प्लस 2 ए बार डॉट, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, ओमेगा फाइनल डॉट ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल डॉट ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फा डॉट थीटा। ये आ गया वेक्टर फॉर्म। तो फिलहाल तीन ही काइनेमैटिकल इक्वेशन की बात करेंगे, टोटल 5 है, वैसे टोटल देयर आर 5, बट हमको मोस्टली यही तीन लगेंगे,
चौथा पांचवा लगेगा तब देख लेंगे। तो रिमेम्बर दिस, कुछ नहीं किया हमने, लीनियर इक्वेशंस में हमने सिर्फ एंगुलर पैरामीटर लिख दिए, हो गया। वी की जगह पे ओमेगा फाइनल, यू की जगह पे ओमेगा इनिशियल, ए की जगह पे अल्फा, टाइम तो टाइम ही रहता है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? अब ये जो लीनियर पैरामीटर्स है जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, और जो एंगुलर पैरामीटर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो उनका रिलेशन आपको डिराइव नहीं करना है, क्योंकि आपने 11 में किया था वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड थीटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। तो अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। और बहुत ही सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और दिस इज द ईयर ऑफ ट्रिक्स। ट्वेल्थ में ना सिलेबस है बहुत ज्यादा, 200 के ऊपर फॉर्मूला आएंगे, तो हर चीज याद रखना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो वी मेक अ ट्रिक आउट ऑफ इट। वी इक्वल टू आर ओमेगा तो तुमने डिराइव किया ही है, वी इक्वल टू क्या डिराइव किया है, तो लेफ्ट साइड पे सारे पैरामीटर लीनियर लिख देना, एक्स लिख दो, एक्स को मैं एस बोल देता हूँ, वी और यहाँ पे ए इक्वल टू इक्वल, वी लीनियर है ओमेगा, एस लीनियर है थीटा, एंगुलर है, ए लीनियर है, खत्म, डन। एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो आर आर आर, लेफ्ट हैंड साइड लीनियर लीनियर लीनियर, राइट हैंड साइड में आर आर के साथ एंगुलर एंगुलर एंगुलर, और ये तो तुमने स्कूल में सीखा है। व्हाट इज आर्क लेंथ? वही है, आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू थीटा। तो वही आपने स्कूल में ही कवर किया है। तो लीनियर और एंगुलर का रिलेशन भूलने का काम ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। इट इज सिंपल, राइट डाउन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल द लीनियर पैरामीटर्स एस वी एंड ए, ऑन द राइट हैंड साइड राइट डाउन आर आर एंड आर, वेयर आर इज रेडियस, एंगुलर पैरामीटर थीटा ओमेगा एंड अल्फा, खत्म। दैट इज द आइडिया, एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू, बट एक चीज है, दिस इज स्केलर फॉर्म, ऐसा लिख दिया तो गए काम से, दिस इज स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बाद में देखेंगे, ये कौन सा फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है क्या, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। तो जस्ट रिमेंबर दिस इज स्केलर फॉर्म। तो अब तक, आगे जाने से पहले अब तक हमने क्या क्या कवर किया, एक लिंक होनी चाहिए, एंड रिमेंबर कीप योर लाइफ इजी, जितना यहाँ पे होता है उतना जाके रोज पढ़ना और खत्म करना उसको, क्योंकि सिंपल है ये। तो फिजिक्स ऑफ फोबिया निकालना पड़ेगा, क्यों होता है, बिकॉज यू कीप थिंग्स पेंडिंग, चलो कर लेंगे कल कल, वो कल कभी आता नहीं, बोर्ड के एग्जाम तक आता नहीं, एक दिन पहले आता है, तो होता नहीं है, यू हैव टू मेंटेन अ लिंक। तो मैं इसलिए पहले रिपीट कर रहा हूँ, हमने स्टार्ट किया रोटेशनल डायनेमिक्स, उसके दो पार्ट थे, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। आज हमने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमने मोशन रिडिफाइन किया, रिडिफाइन मतलब रिवाइज किया, दो टाइप के मोशन थे, लीनियर एंड एंगुलर। रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंगुलर मोशन। फिर हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, एंगुलर मोशन। लीनियर का स्टडी करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वैसे ही एंगुलर मोशन स्टडी करने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर, वेरी गुड। फिर हमने काइनामेटिक्स के इक्वेशन रिवाइज किए लीनियर के, उसी को लिखा हमने एंगुलर फॉर्म में, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इन सबको हमने लिखा एंगुलर फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर्स एंड एंगुलर पैरामीटर्स। हमारा एक्चुअल टास्क है टू स्टडी सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन स्टडी करने के लिए
ये सारा का सारा बेसिक्स जो हमने देखा ये जरूरी था। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सर्कुलर मोशन। तो एक्चुअल आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम सर्कुलर मोशन। तो पहले तो हम सर्कुलर मोशन को करेंगे डिफाइन, फिर हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक को आप बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक को आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन डिफाइन कैसे करोगे पहले वो बताओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद सम रेडियस आर इज नोन एज द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैन बी एनीथिंग, बाय एनीथिंग आई मीन हो सकता है ये मौत का कुआं में गाड़ी है, हो सकता है मैंने एक रस्सी के नीचे बॉल को टाई किया उसको घुमा रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम का बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि एक गाड़ी है जो वर्टिकल सर्कल में जा रहा है। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। हो सकता है एक बाल्टी है बकेट, उसके हैंडल को रस्सी बांध दे और घुमा रहा हूँ, है ना, वैसा भी एग्जाम्पल है उसके ऊपर आएगा। तुमने बकेट में पानी भरा और तुम उसको घुमा रहे हो, बताओ व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड सो दैट द वाटर शुड नॉट स्पिल डाउन, क्योंकि ऊपर जाएगा बकेट तो पानी कहाँ आएगा, नहीं आना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द स्पीड फॉर दैट। तो वो सारे के सारे क्या है सर्कुलर मोशन। तो ये पार्टिकल कैन बी एनीथिंग, हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट बोलूंगा। ये ऑब्जेक्ट गाड़ी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट बॉल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट बकेट भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सिंपल है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ सम रेडियस आर, विथ रेडियस आर, विथ रेडियस आर, अभी इसको रेडियस भी दिखाना पड़ेगा, विथ रेडियस आर द मोशन इज सेट टू बी सर्कुलर मोशन, द मोशन इज सेट टू बी सर्कुलर मोशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन मोशन। सबसे पहले वी विल स्टडी, वी विल सी इन डिटेल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं UCM। अब इसको अगर डिफाइन करना है इक्वेशंस पे तो हम आएंगे, वही डेफिनेशन जो तुमने लिखा उसमें तीन चार वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट स्पीड। अगर वेलोसिटी लिखा तो पूरा डेरिवेशन सही होगा, मैं जीरो रख दूंगा सीधा सीधा, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट क्या है स्पीड। विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ऑफकोर्स विथ सम रेडियस आर, वो लिखने रहा हूं मैं, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन इज सेट टू बी is said to be UCM, uniform circular motion. अब स्पीड तो कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा इस टाइप के मोशन में पार्टिकल कहीं पे भी हो, लेट अस टेक एनी टू पॉइंट्स, पॉइंट ए
एंड सम पॉइंट बी। तो नो मैटर पार्टिकल कहाँ पे है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा होता है टैंजेंट। इट इज ऑलवेज टैंजेंशियल, इट इज ऑलवेज अलोंग टैंजेंट। और याद रखना स्पीड क्या है, सेम है। तो मैंने दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या दिखाया है, सेम, बिकॉज द स्पीड डज नॉट चेंज, व्हाट चेंजेस इज डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट। तो इन दिस केस स्पीड इज कॉन्स्टेंट, स्पीड इज कॉन्स्टेंट, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एंड इज ऑलवेज टेंजेंशियल। थोड़ा सा नोट्स में लिखने का तरीका अलग है, वहां पे लिखा है एंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज अलॉन्ग द टेंजेंट। डेफिनेटली नोट्स में थोड़ा डेप्थ ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखता कम हूँ, पूरा लिखने बैठे तो 2 साल में भी खत्म नहीं होगा सिलेबस। तो दैट इज वाई एंड इज ऑलवेज अलॉन्ग टेंजेंट, इज ऑलवेज अलॉन्ग टेंजेंट। याद रख, क्लियर, पक्का पक्का। हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और वेलोसिटी चेंज कब होगा? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मतलब स्पीड चेंज हो, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि हमने क्या बोला, यूसीएम इज अ मोशन इन विच व्हाट इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो या स्पीड चेंज हो, देर इज चेंज इन वेलोसिटी। वेन एवर देर इज चेंज इन वेलोसिटी देर इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अगेन गोइंग बैक टू 11th स्टैंडर्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वहां पे तो टेबल बना के दिया है आपको, मैंने याद है मैंने आपको बताया था कि ये 12th में आएगा वापस से। अगर स्पीड कॉन्स्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स सेंटर, राइट। अगर स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वो ना टेंजेंट के अलॉन्ग होता है ना सेंटर के अलॉन्ग, वो इन बिटवीन टेंजेंट एंड सेंटर होता है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ क्या? नहीं। तो जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, किसका किसका, वेलोसिटी का, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, टुवर्ड सेंटर। तो फिट कर लो दिमाग में, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन एंड स्पीड इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स, इसलिए उसको बोलते हो सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल। पिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर। इसको आप डिनोट करते हो ए सी या ए आर से, दिस इज सेंटर ओ। गुड, पक्का पक्का। सो इन दिस केस स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एंड इज ऑलवेज अलॉन्ग टेंजेंट। एंड इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर एंड इज नोन एज सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड डायरेक्टेड टुवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर एंड इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल भी बोलते हैं इन सम टाइम, इन सम केसेस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल। फिलहाल मैं रेडियल वर्ड यूज नहीं करूंगा, बताऊंगा मैं एज एंड व्हेन, फिलहाल नहीं यूज करेंगे। तो सेंट्रिपिटल क्यों बोला है इसको, बिकॉज इट इज टूवर्ड्स सेंटर। और अगर आपको याद होगा इट इज गिवन बाय, हमने इसके तीन इक्वेशन डिराइव किए थे, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा। जिनको नहीं याद, डजंट मैटर, तीनों में से एक तो याद होगा। चलो बताओ, कोई भी एक बता दो, विच एवर यू रिमेम्बर। चलो ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, यू जस्ट सेड वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय, तो यहाँ पे
वी बाय आर, इसका स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, ये भी एक और एक, तो क्या आ गया वी स्क्वायर बाय आर। ये आर ओमेगा स्क्वायर को कैन राइट डाउन आर ओमेगा इंटू ओमेगा, यस आर ओमेगा स्क्वायर था ना, तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा, व्हाट इज आर ओमेगा, तो क्या आ गया, तो तीन इक्वेशन है इसके, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर और वी ओमेगा, तो इट इज वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी ओमेगा। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेशन के तीन इक्वेशन आ गए, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में है, हमको चाहिए वेक्टर फॉर्म में। एक सिंपल सा काम करेंगे, देखो ऐसा है, यू शुड नो बेसिक्स, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक इस लेंथ को क्या बोलते हो, और अगर इसको मैंने वेक्टर बना दिया तो रेडियस वेक्टर मतलब आर बार, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेंटर से सर्कमफेरेंस, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था, सर्कमफेरेंस से, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट मतलब नेगेटिव, तो इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर फॉर्म और इन वेक्टर नोटेशन यू कैन राइट डाउन ए सी बार इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर बार विथ अ माइनस साइन, बराबर गलत, आर कैप, आर बार लिखोगे अगर तो ये आर और ये आर का डायमेंशन हो गया कैंसल, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, तो वेरी गुड, तो याद रखना, बी केयरफुल, यू शुड नॉट बी इन हरी, सिर्फ आर कैप विद अ माइनस साइन, क्योंकि आर कैप इज डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू टू सर्कमफेरेंस, मतलब आउटवर्ड्स, और माइनस आर कैप इज इनवर्ड फ्रॉम सर्कमफेरेंस टू सेंटर, तो सिर्फ ये एक चीज याद रखना, ये आर कैप दिखना चाहिए इधर, इधर आर बार नहीं आएगा, क्या आएगा, आर कैप। और एक तरीका भी लिखने का, बट आई विल नॉट गो इनटू इट, क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ डायरेक्शन बताना है, या फिर आपने दूसरा बताया था आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर, डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, यही है, कैसे डिफाइन करते हो, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन, तो व्हाट इज आर बार, आर आर कैप, तो ये आर आर कैप क्या लिखोगे इसको, आर बार, आर और आर कैप क्या लिखोगे, या तो ऐसा लिखो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, या आर और आर कैप को क्या लिखो, आर बार, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, एक ही चीज है, बोथ आर सेम, रिमेंबर अगर आर और आर दो बार लिखा तो ऊपर टोपी चाहिए, टोपी कैप, एक ही आर लिखा तो क्या चाहिए, अगर ऐसा कर दिया तो गलत है, आप लिख रहे हो आर आर बार, दैट इज नॉट राइट, तो याद रखना अगर दो बार आर लिखा है तो फिर कैप, एक बार लिखा है तो बार, सिंपल। तीसरा 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 वी ओमेगा माइनस आर कैप, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, गुड इजी। तो आइडिया ये है, द आइडिया हियर इज, हमारे पास एक पार्टिकल था विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉन्ग टेंजेंट, मतलब व्हाट इज चेंजिंग इज डायरेक्शन, वेलोसिटी ये वेक्टर है, स्पीड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो भले ही स्पीड कॉन्स्टेंट था, इवन दो स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट बट स्टिल देर इज एक्सेलरेशन, and when speed is constant only direction is changing, axis is towards, hence it is known as centripetal, kya bolte hain isko, aur ye to humne already 11th mein hi derive kiya tha, what is the formula, scalar form, r omega square v square by r v omega, vector form minus omega square r bar v square by r minus r cap minus v omega r cap. So this is all about which motion? Uniform circular motion.
अब इमेजिन स्पीड भी चेंज हो रहा है, स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इमेजिन इमेजिन हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने डिस्प्लेस करके धक्का दे दिया, पुश कर दिया। कहाँ पुश कर दिया? हॉरिजॉन्टल में। तो वो क्या करेगा? जस्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पेंडुलम है, अगर उसका सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, कौन सा प्लेन है ये? दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज, तो वेन एवर द मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द मोशन इज नॉर्मली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉर्मली। अगर ऐसा हो, ये कौन सा मोशन है पता है? वर्टिकल। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रीजन इज सिंपल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पेंडुलम का बॉल ऊपर जाता है, इट इज गोइंग अगेंस्ट, ग्रेविटी तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो स्पीड डिक्रीजेस 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 मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस 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 मैक्सिमम। तो स्पीड चेंज हुआ तो वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम डिटेल में देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे।